भैया भैया भैया, सारे गांव के गटर का पानी यहीं जमा हो रहा है, बदबू आती है। ऊपर से मेरे बेटे की तबीयत भी ठीक नहीं है, मच्छर बहुत परेशान करते हैं। जो कमाती हूँ इलाज में खर्च हो जाता है। भैया एक शौचालय बनवा दो ना भैया। इस इलेक्शन में मुझे वोट देना, फिर देखता हूँ। तीन इलेक्शन से आप यही कह रहे हैं भैया? ओ हो हो, कमला बहन, सूरज पर पत्थर मार रही हो तुम। इन पर विश्वास रखिए, अगले हफ्ते इलेक्शन है, जीते ही सारे काम हो जाएंगे। बस अब चपर चपर बोलना बंद करो, समझी? नहीं दूंगी, जो शौचालय बनाएगा उसी को। जिस तरह इस दुनिया में सूरज और चांद हमेशा रहेंगे, उसी तरह इस गांव के ग्राम पंचायत का प्रधान हमेशा मैं ही रहूंगा। माँ उठो, माँ ठीक तो हो ना? ठाकुर, तूने मेरी माँ को लात मारी ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। माँ तू रो मत माँ, वो ग्राम पंचायत का प्रधान है, इसलिए तूने उसे शौचालय बनाने बोला ना, इसलिए उसने तुझे मारा ना। मैं भी ग्राम पंचायत का प्रधान बनूंगा और इस गांव में शौचालय बनवाऊंगा। नहीं बेटा सिद्धू, राजनीति बहुत ही गंदी चीज है। तू ग्राम पंचायत का प्रधान नहीं बनेगा, तू शहर जाएगा, अच्छे से पढ़ेगा और डॉक्टर बनेगा, यही मेरा सपना। नहीं माँ, मैं ग्राम पंचायत का प्रधान ही बनूंगा। अरे तेरे बाप ने भी मेरी बात कभी नहीं सुनी, अब तू भी वैसा ही करेगा। मेरी तो किस्मत ही फूटी है, जो करना है वो कर। भारती, भारती। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मेरी घड़ी नहीं दिख रही। अरे ऊपर ही तो रखा था, आप देखते ही नहीं हो अच्छे तरीके से। क्या हुआ भाई? मेरे बाबा रुद्र सिंह जी की दी हुई घड़ी नहीं दिख रही है। हा? और वो सिर्फ घड़ी नहीं है, उसमें से आने वाली टिक 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 आवाज मेरे बाबा के दिलों की धड़कन है। उस घड़ी में जो बड़ी सुई है वो मेरे बाबा हैं और जो छोटी सुई है वो मैं हूँ। हम दोनों मिलकर इस गांव का टाइम तय करते थे। जाओ जाओ, सब जगह ढूंढो, जाओ पूरे गांव को छान मारो। अंदर नहीं जा सकते, मेरा आदमी है। कोई नहीं जा सकता, मेरे सर जी का ऑर्डर है। ए, कौन है वो सर जी? सर सलाम साहब, मेरा आदमी अंदर है। कौन हो तुम? शंकर नारायण। शंकर भाई, अच्छा मुंबई में तुम्हारा नाम बहुत बार सुना था, लेकिन तुम्हें पता है मैं एक ही नाम बार बार सुनता हूँ तो इरिटेशन होती है। आप हीरो की तरह है सर। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट टाइगर शिवराम नायर, प्रेस वालों ने आपको सुपरस्टार बना दिया है सर। सर अगर गलती की तो अरेस्ट करेंगे ना, या फिर कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन क्यों सर शूट कर रहे हैं? तुझे नहीं उठाया, इसके लिए खुश हो? सर उसकी फैमिली है सर, छोटे छोटे बच्चे हैं सर। तो क्या उन मारे गए लोगों की फैमिली और बच्चे नहीं है? गन हाथ में लेकर सिग्नल पर ताली बजाने लग जाओ, फिर हम भी खाकी पर पैसा फेंकेंगे। पुलिस से ऊंची आवाज में बात कर रहा है, हाथ उठा रहा है, कल का सनराइज नहीं देख पाएगा। बंदूक से गोली निकली ना तो तेरे मुंह के अंदर घुस जाएगी। साहब साहब छोड़ो, साहब छोड़ दो साहब, बच्चा है साहब, गुस्सा क्यों हो रहे हैं साहब? साहब सुबह होते ही एक दूसरे की शक्ल देखनी पड़ती है साहब। तुम्हारी शक्ल मैं क्यों देखूं? गेट आउट सर, बेल ऑर्डर। मुंबई की भेलपुरी की तरह कहीं भी मिल जाता है। कल इसे कोर्ट में पेश करेंगे, वहां कर ले जाना। अब चल बुढ़िया से। पुलिस गिरी डाउन डाउन, पुलिस गिरी डाउन डाउन। भाई पुलिस, शंकर तुम्हारा भाई कहाँ है? मालूम नहीं साहब, एग्जाम में दो सब्जेक्ट में फेल हो जाने से मैंने डांटा तो वो घर छोड़ के चला गया साहब। वो फेल नहीं हुआ, उसका नसीब हुआ। क्यों सर,
अगर आपके डिपार्टमेंट में कोई केस हो तो न्यूज में नहीं आएगी क्या? न्यूज आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं, लेकिन तुम्हारा भाई न्यूज जरूर बनेगा। शंकर, तुम ऊपर वाले से ये मन्नत मांगो कि तुम्हारा भाई मेरे हाथ ना आने पाए, नहीं तो वो सीधा ऊपर जाएगा या फिर पानी में डूबेगा। सब वो कहाँ जाएगा ये सब बाद में डिसाइड करेंगे, पहले आप जाकर देखिए वो कहाँ है, जाइए देखिए। हेलो, कौन है रे? पुलिस वाला गुंडा है रे। शिवराम, टाइगर शिवराम नायर, तुम्हारे घर का कुत्ता मेरे पास है, उसका हिसाब करके तुझसे मैं बात करता हूँ। शिवराम, शिवराम, वो मेरी जिंदगी है, वो मेरा छोटू है, छोटू मेरा बच्चा है, वो मेरे बेटे की तरह है। बेटे की तरह है तो बेटे की तरह ही ख्याल रखूंगा। टाइगर, उसे कुछ मत करना, वो मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ। अगर पुलिस चोर हो तो चोर पुलिस का खेल कैसा होगा तुझे बताता हूँ। शंकर, तू बस 10 मिनट के अंदर वीटी स्टेशन पहुंच जा। भाग कुत्ते भाग। शिवराम, ए, चल बाहर उतर रहे। नहीं शिवराम, ए, बाहर उतारो इसे। चल भाग। टाइगर, ये जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। भाग, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे क्या हुआ छोटू, 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 हिम्मत बिल्कुल नहीं हारना तुम भी। इस सड़क पे उन कमीनों को काट डालूंगा मैं। आपका भाई बनकर ही गुनाह हो गया, आप ही की आंखों के सामने उसने मुझे नामर्द बना दिया और मेरा मजाक बना दिया। छोटू, अब मैं टूट टूट कर बिखर चुका हूँ, मैं क्या करूं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूरी मुंबई में मेरा ये सर्टिफिकेट शो चला भाई। अब मुझे जिंदा नहीं रहना, जिंदा नहीं रहना मुझे। ऐसे भाई के साथ रहने से तो मौत ही अच्छी है। छोड़ो, 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 छोड़ो। हे भगवान, आपके मंदिर की रक्षा के लिए मैं धर्माधिकारी बना हूं, लेकिन मेरी रक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। दुनिया के साथ जो होता है होने दो, लेकिन मेरा कल्याण करना ही पड़ेगा। भिखारियों के हाथों से भीख छीनने वाला बदमाश है तू, भगवान तेरा क्या भला करेगा। रमेश, तुम मुझे श्राप दे रहे हो। कैसे दे सकता हूँ भाई। एक बात बताओ, कहते हैं मेरे जैसे पापियों का नाश करने के लिए भगवान अवतार लेकर आता है, ये सच है क्या? वैसे अगर वो आएगा तो फिर कैसे आएगा? वो भक्त प्रहलाद फिल्म की तरह
खंभा तोड़कर आएगा क्या, या फिर उस तरफ से धूल उड़ाते हुए आएगा? हाँ, कहाँ से आएगा? हे, कोई भगवान नहीं आएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि अगर वो मुझसे टकराएगा तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। चलो चलो। छोड़ हाथ, हाथ छोड़। हे, अगर मैं किसी का मर्डर करता हूँ तो कोई और आकर बचाने की कोशिश करता है, और तू मेरे ही सामने किसी को मारने जा रहा है, कौन है तू? ए, देख भाई, मेरे धैर्य की परीक्षा मत ले, क्यों इसे मार रहा था तू? हाँ, ये उसी से पूछो। हम पूरे गांव वालों को धमकी देते हैं और ये हमें ही धमकी देकर चला गया, आखिर ये है कौन? बॉडी डेटा चाहिए, बायोडाटा चाहिए? चल बायोडाटा ही बता दे। नाम है सिंगा, प्यार करने वालों के लिए भक्त प्रहलाद, नफरत करने वालों के लिए हिरण्यकश्यप। उसकी आंखें शेर की आंखें हैं और उसका हाथ हथौड़ा। एक बार लग जाए तो आदमी आसमान में नजर आता है, खुद से किसी को नहीं छेड़ता। वो गलती से छेड़ दिया तो छोड़ता भी नहीं, क्योंकि गुस्सा उसकी कमजोरी और मूछें उसकी ताकत है।